नमस्कार साथियों, नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हिमांक व हिमांक अवनमन की परिभाषा। हिमांक है जो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमधन अंक। हिम का अर्थ है बर्फ है और अंक का अर्थ है डिग्री सेल्सियस का मान। डिग्री सेल्सियस का मान जो बर्फ होता है वह किसका अपर रूप है? बर्फ किससे बना होता है? द्रव से, द्रव में वो भी जल से। बर्फ किससे बनता है? जल से। जल किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। और द्रव से यह किस अवस्था में चला जाता है? ठोस अवस्था में। तो वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। एक बार और सुनिए, हिमांक दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन अंक। हिम का अर्थ है बर्फ है, अंक का अर्थ है डिग्री सेल्सियस ताप। अर्थात वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अब देखते हैं हम हिमांक अवनमन की परिभाषा। तो हिमांक अवनमन की परिभाषा समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर इसके बाद हम वर्णन करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि कोई भी बिलियन जो मिलकर बना होता है, बिलियन दो पदार्थों का मिश्रण होता है। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। अधिक मात्रा में जो होता है वह विलायक होता है, कम मात्रा में जो होता है वह विलेय होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसमें हमने जो द्रव बिलियन रखा हुआ हमेशा 1000 ही लिया, इसकी मात्रा निश्चित रखी। हमने जो यह बिलियन लिया, जल व कंकड़ का मिश्रण लिया। इस जल में हमने सबसे पहले 950 जल रखा, 50 ग्राम कंकड़ रखी। इसमें सेकेंड में 900 ग्राम जल, 900 ml जल, 50 ग्राम कंकड़, 850 ml जल। और यहां पर सॉरी, यहां पर 1000 रखेंगे तो यहां पर 100 आएगा, यहां पर 150 ग्राम कंकड़। तो आप हमें बताइए, जो बर्फ बनेगी किसकी अधिक बनेगी? बर्फ सबसे अधिक किसकी बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि बर्फ है, कंकड़ की तो बनेगी नहीं। कंकड़ जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, बर्फ हमेशा जल की बनती है। तो जो बर्फ बनेगी 950 की बनेगी। किसकी बनेगी? 950, 900 और 850। तो आपने देखा जैसे ही हमने इस कंकड़ की मात्रा बढ़ाई तो इस बर्फ के बनने में गिरावट आती गई। तो इस गिरावट को कहते हैं हिमांक अवनमन, क्योंकि हिमांक का तात्पर्य बर्फ का बनना और अवनमन का तात्पर्य है गिरावट। तो इसकी परिभाषा कैसे क्या होगी? अबाष्पशील विलेय युक्त बिलियन, अर्थात ऐसा बिलियन है जिसकी बाष्प पे ना बन सके। क्या कंकड़ की बाष्प तो बन सकती है? जी नहीं। तो अबाष्पशील विलेय युक्त बिलियन में जैसे जैसे हम अबाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, क्या करते जाते हैं? अबाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हिमांक में कमी होती जाती है। सबसे अधिक बार हिमांक बनेगा 950 का, उससे कम 900 का, फिर 850 का। और यहां पर सबसे कम मात्रा 50 थी, फिर 100, फिर 150। तो हमने विलेय की मात्रा बढ़ाई तो हिमांक की मात्रा में क्या हुई? कमी। हिमांक के बनने की इसी कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। एक बार और सुनिए, अबाष्पशील विलेय युक्त बिलियन में, अर्थात ऐसा बिलियन है जिसमें जो विलेय हो वह अबाष्पशील हो। तो अबाष्पशील विलेय युक्त बिलियन में जैसे जैसे हम अबाष्पशील विलेय की मात्रा, हमने कंकड़ लिया था, अबाष्पशील था कंकड़, ये कैसा था? अबाष्पशील। हम इस कंकड़ में की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाई तो वैसे वैसे बर्फ बनना कम हो गया। यहां पर 950 का बर्फ बना, यहां पर 900 का, फिर 850 का। जब जल की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक रूप से बर्फ में कमी आएगी, क्योंकि जो बर्फ बननी है वो जल की बननी है, कंकड़ की तो बननी नहीं है। तो अबाष्पशील विलेय युक्त बिलियन में
जैसे जैसे हम आवासीय विलय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हिमांक में कमी आती जाती है। हिमांक की इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। यदि आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को पुनः रिपीट करिए। यदि आपको लिखना है तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले हिमांक की परिभाषा। हिमांक वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव्य ठोस अवस्था में आने लगता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। अब लिखिए हिमांक अवनमन। अवाष्पशील विलयुक्त विलयन में जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हिमांक में कमी आती जाती है। हिमांक की इसी कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी और आपने लिख भी ली होगी। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।